हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट आंसर की के बारे में। तो यहाँ पर वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो ये आपने अभी तक ये तो नोटिस देख लिया ही होगा, ये देखिएगा, ये फाइनली जो एनटीए ने यूजीसी नेट की आंसर की रिलीज यहाँ पर कर दी है। यहाँ पर ड्यूरेशन फॉर आंसर की चैलेंज आप 3 जनवरी से लेकर यानी आज से लेकर 5 जनवरी तक अपना चैलेंज कर पाएंगे, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट यानी 5 जनवरी तक आपको पेमेंट करना है जो भी आंसर की आप चैलेंज करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आंसर की देखने में, आपको कहां पर जाना है। तो यहां पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किन की आंसर की यहां पर रिलीज कर दी गई है। तो अब यहाँ पर प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कैसे आप आंसर की को देख पाएंगे या फिर चैलेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपना आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद में सिक्योरिटी पिन डालना है जो कि वहाँ पर दिया गया होगा सिक्योरिटी पिन। उसके बाद में व्यू क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, और क्लिक यू टू व्यू आंसर की, यानी आपको अपना पेपर व्यू क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद में आंसर की को भी डाउनलोड कर लेना और देख लेना है। फिर देखना है कि कौन कौन से यहाँ पर करेक्ट आंसर हैं, कौन कौन से करेक्ट आंसर नहीं आपके अकॉर्डिंग, उसको आप सेव एंड क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आपको जो भी यहाँ पर वेबसाइट दिख रही है आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आंसर की चैलेंज का कोई ऑप्शन यहाँ पर है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यूजीसी नेट दिसंबर एडवांस सिटी विंडो ओपन क्लिक किया, ये भी नहीं है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 लॉगिन, और उसके बाद में यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एडमिट कार्ड, और उसके बाद में एडवांस सिटी एस्टीमेशन, यहाँ पर एडमिट कार्ड, यहाँ पर स्टूडेंट को जो लगातार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो इसलिए फेस करनी पड़ रही है अपनी आंसर की देखने में, क्योंकि एक नोटिस तो आपको थमा दिया गया है। जो भी आपने अभी तक हमने नोटिस दिखाया वो यहाँ पर नोटिस यही लिंक है नोटिस का, लेकिन यहाँ पर जो व्यू आंसर की चैलेंज करने का ऑप्शन आपको मिलता है, यानी जो भी आपके यहाँ पर जो ये टाइप के आपके चल रहे हैं, ये देखिएगा, कह सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ में आपको एक ऑप्शन दिया ही नहीं है, वो कोई लिंक एक्टिव किया ही नहीं गया है एनटीए की तरफ से जिसमें कि आप आसानी से लॉगिन करके, क्योंकि जब आप यहाँ पर एक चांस रहता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करने में पहली बात तो ये वेबसाइट खुलती नहीं, अगर खुल भी जाती तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर आपका पासवर्ड मांगता है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगता, यानी ये लिंक से आप अपना आंसर की नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए अभी थोड़ा आपको वेट करना है, अभी तक एनटीए ने, जब ये वीडियो बन रहा है 9:23 तक एनटीए ने वो लिंक एक्टिव नहीं किया जिससे कि आसानी से अपना आप एप्लीकेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर आंसर की डाउनलोड कर पाएँ और अपना जो व्यू क्वेश्चन पेपर है उसको भी डाउनलोड कर पाएँ। तो जैसे ही ये लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, लिंक एक्टिव होते ही आपके साथ वीडियो आ जाएगा कि आप आसानी से अपना एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर आसानी से अपना आंसर की चेक कर पाएंगे। तो अभी आपको वेट करना है क्योंकि अभी तक एनटीए ने वो लिंक ही एक्टिव नहीं किया, केवल एक नोटिस दे दिया है जो लगातार स्टूडेंट में डाउट क्रिएट कर रहा है, और इस प्रकार कह सकते हैं कि एनटीए लगातार लापरवाही कर रहा है जिससे कि इसके कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि कब से कब, क्योंकि यहाँ पर एक डेट भी सुनिश्चित कर दी गई कि 5 तारीख तक ही आप आंसर की चैलेंज कर पाएंगे। तो इसलिए तुरंत लिंक एक्टिव कर देना चाहिए, जो कि एक लापरवाही का नतीजा है।